फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और एग्जाम में इसको हर कॉलेज में पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट नंबर वन इज मीनिंग बिजनेस किसे कहते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या है तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी हम पैसे के लिए काम करेंगे इट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोफेशन का मीनिंग क्या है प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड प्रोफेशन इज एन एकोनॉमिक एक्टिविटी वे आर एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर मीन्स जहाँ पे एक्सपर्ट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयमेंट इज एन एकोनॉमिक एक्टिविटी वे आर वन पर्सन वर्कस अंडर एन अदर पर्सन तो एम्प्लॉयमेंट क्या है फ्रेंड्स ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वे आर वन पर्सन वर्कस अंडर एनदर पर्सन यानी एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड और रिटर्न बिजनेस मैन अर्नस प्रॉफिट्स अगर बिजनेस करता है बिजनेसमैन तो वो क्या अर्न करता है उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट प्रोफेशनल चार्ज फीस जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो इन रिटर्न क्या चार्ज करते हैं अपनी सर्विस देते हैं तो दे चार्ज फीस एन एम्प्लॉय रिसीव्स वेजेस और सैलरी एम्प्लॉय को यहाँ तो वेजेस मिलता है जो कि डेली और वीकली हो सकता है और अगर मंथली मिल रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया सैलरी तो एन एम्प्लॉय रिसीव वेजिस और सैलरी पॉइंट नंबर थ्री इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस यानी हम कौन से बिजनेस में है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस का और बिजनेस का साइज क्या है हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं मीडियम स्केल पे कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे कर रहे हैं वो हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा जबकि इन केस ऑफ प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय बॉस के लिए काम करता तो सारा इन्वेस्टमेंट बॉस का रहेगा एम्प्लॉय को खुद का कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ वर्क बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक बिजनेसमैन प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक जबकि प्रोफेशनल्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोफेशनल्स खास तरह का सर्विस हमें देते हैं जैसे डॉक्टर हो लॉयर हो टीचर हो तो प्रोफेशनल्स हमें खास तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज परफॉर्म दर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉज परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करना है उसका नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें जो है फिक्स की गई है नेक्स्ट पॉइंट इस क्वालिफिकेशन बिजनेस की बात करें तो नो नीड ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बिजनेसमैन कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है यहाँ पर अगर वो अनएडुकेटेड है तो भी चलेगा तो नो नीड ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ बिजनेस जबकि प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड क्या चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज नीडेड इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन वो डिपेंड करता है डॉक्टर है तो क्वालिफिकेशन वो हिसाब से लेनी पड़ेगी लॉयर है तो क्वालिफिकेशन वो हिसाब से लेनी पड़ेगी सी है तो जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा वो लेना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट इस अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड यानी फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर यहां पे एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा इंसान चाहिए सो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर पॉइंट नंबर सिक्स इज डिसीशन मेकिंग बिजनेस मैन आर फ्री टू टेक डिसीजन एज पर सिट बिजनैन आर फ्री टू टेक डिसीशन एज पर द दिटुएशन जबकि प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल्स टेक एक्सपर्ट डिसीजन इन देयर प्रोफेशन प्रोफेशनल्स टेक एक्सपर्ट डिसीजन इन देयर प्रोफेशन यानी प्रोफेशनल अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोफेशन में इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज डज नॉट हैव पावर टू टेक एनी डिसीजन। एम्प्लॉयज डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजन। एम्प्लॉयज के पास कोई पावर नहीं रहता डिसीजन लेने का एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क रिस्क इज हाई एज प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है वो फ़िक्स्ड नहीं है इरेगुलर है और अनसर्टन है यानी श्योर sure नहीं है तो रिस्क इज़ हाई इन केस ऑफ बिजनेस एज प्रॉफिट इज अनसर्टन एंड इरेगुलर जबकि प्रोफेशन की बात करें तो रिस्क इज लिमिटेड एज फीस इज नॉट सर्टन एंड रेगुलर यहाँ पे भी जो फीस है हर क्लाइंट से अलग अलग पैसा चार्ज किया जाता है कभी क्लाइंट्स कम आ सकते हैं कभी ज़्यादा आ सकते हैं जो तो रिस्क इसमें भी है लेकिन वो लिमिटेड है जबकि इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क इज़ इन्वॉल्व इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क इज इन्वॉल्व एज एम्प्लॉय गेट्स फिक्स एंड रेगुलर पे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को फिक्स्ड पगार मिलती रहती है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा डिस्टिंग्विश अच्छा लगा रहेगा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट